नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाली बारिश को लेकर। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में आने वाले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग की माने तो 3 अक्टूबर तक प्रदेश के 38 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि आज यानी कि गुरुवार को दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में 1-2 स्थानों पर, इसके साथ साथ बाकी बिहार में कई स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि हवा में नमी रहने की भी पूरी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो काफ़ी कम दबाव का क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र के मध्य भाग में था, वह अब पश्चिम भाग की तरफ बढ़ गया है। इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र क्षोभ मंडल के मध्य भाग तक फैला हुआ है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि मानसून की टर्फ लाइन पूर्व के पश्चिम गुजरात के चक्रवातीय परिसंचरण के क्षेत्र से पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड होते हुए समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि बिहार में नमी वाली हवाओं का प्रभाव हो सकता है, यानी कि जो एक टर्फ लाइन बनी है जो कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड तक के, मध्य प्रदेश तक के इलाकों में है, उससे जो है एक तरह से कह लें कि नमी वाले हवाएं जो हैं बिहार में चलने के आसार जताए जा रहे हैं। नमी युक्त हवा से गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, लेकिन बारिश का भी जो सिस्टम है वो भी बनता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग का कहना है कि इन सभी मौसमी कारकों के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम बिहार के 1 या फिर 2 स्थानों तथा बिहार के अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1-3 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार के अधिकतर स्थानों पर वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम दक्षिण बिहार की बात कर लें तो बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया सहित 19 जिलों में 1-3 अक्टूबर तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा का सिस्टम एक्टिव होगा, यानी कि बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए आने वाले 3 दिनों तक के लिए अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि मौसम खराब होने के कारण 1-3 अक्टूबर तक खराब मौसम के कारण आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में अब बिहार के ज़्यादातर जिलों में आकाशीय बिजली के साथ साथ तेज़ बारिश की भी संभावना जताई गई है। विभाग ने बारिश के दौरान लोगों को घर से बाहर न निकलने के साफ तौर पर हिदायत दी है। ऐसे में आकाशीय बिजली और तेज़ बारिश दोनों की संभावनाओं को लेकर लोगों को सचेत रहने की बात कही है। ऐसे में मौसम विभाग ने जो है एक बड़ा अपडेट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में जो है बारिश की संभावना जताई है। अभी वर्तमान की स्थिति अगर हम देख लें तो नमी युक्त हवा जो है पूरे प्रदेश में जाहिर है और गर्मी से तो लोगों को निजात मिली है, लेकिन अब जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।